हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट आरएसए एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम की ज़रूरत कहाँ पे है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रिप्टोग्राफी में दो तरह के क्रिप्टोग्राफी हम लोग सीखते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में हम सिंगल की यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। एसिमेट्रिक के केस में हम लोग इनक्रिप्शन के लिए अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज़ करते हैं। यानी सिमेट्रिक में सिंगल की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगा, एसिमेट्रिक में दो अलग अलग की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो क्रिप्टोग्राफी हैज़ टू डिफरेंट टेक्निक, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक के केस में सिंगल की और एसिमेट्रिक के केस में दो की यूज करेंगे, एक इनक्रिप्शन के लिए और दूसरे डिक्रिप्शन के लिए। इनक्रिप्शन की जो की होगी उसे हम लोग पब्लिक की कहेंगे और डिक्रिप्शन की जो की होगी उसे हम प्राइवेट की कहेंगे। पब्लिक की को हम लोग डिनोट करेंगे ई एन, जहाँ एन हमारा कोई नंबर है और ई हमारा इनक्रिप्शन और पब्लिक की है। देन डी हमारा प्राइवेट की होगा और एन हमारा नंबर होगा। जनरली इसकी ज़रूरत क्या है वो हम लोग देखते हैं। मान ले कोई दो पर्सन है, एलिस एंड बॉब। एलिस एंड बॉब, बॉब ये दो पॉपुलर नेम है क्रिप्टोग्राफी के केस में, तो हम इन्हीं दोनों का नाम ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे कोई भी दो पर्सन हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं और अदर पर्सन भी हो सकते हैं। हमने एलिस और बॉब लिया। एलिस को ए से डिनोट करेंगे और बॉब को बी से डिनोट करेंगे। एलिस यदि अपना कोई मैसेज भेजना चाहता है बॉब को, जो कि रिमोट एरिया में रहता है, तो रिमोट एरिया में होने की वजह से ऑब्वियसली ये इंटरनेट यूज़ करेंगे। एलिस अपना मैसेज इंटरनेट पर यदि डायरेक्ट दे दे, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर कोई भी मैसेज यदि जा रहा है तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। इसलिए एलिस नहीं चाहेंगे कि हमारा मैसेज सिंपल वे में इंटरनेट पर ट्रांसमिट। हम क्या करेंगे, इस एम को कोड करेंगे और इनक्रिप्ट करेंगे, और इनक्रिप्शन के लिए हम जो की यूज़ करेंगे वो मेरा पब्लिक की कहलाएगा, और ये मैसेज कोड के फॉर्म में इंटरनेट पर होगा, जिसे कोई भी यदि यूज़ करता है तो डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर सकता है जिसका प्राइवेट की उसके पास हो। एलिस चाहते हैं कि हम अपना मैसेज भेजें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक पर्सन का अपना पब्लिक की होगा और प्राइवेट की होगा। ऑब्वियसली एलिस का अपना प्राइवेट की भी होगा और पब्लिक की भी होगा। एलिस के पब्लिक की को यदि हम पी यू ए से डिनोट करें, क्योंकि एलिस को हम ए से डिनोट कर रहे, और इनके प्राइवेट की को हम पी आर ए से डिनोट करें, तो ये एलिस के प्राइवेट की और पब्लिक की हो गए। इसी तरह से बॉब के भी अपने पब्लिक की होंगे और प्राइवेट की होंगे। बॉब के पब्लिक की को हम पी यू बी से डिनोट करते हैं और इनके प्राइवेट की को हम पी आर बी से डिनोट करते हैं। अब इस जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि एलिस अपने पब्लिक की को सोशल मीडिया और किसी भी तरीके से यूनिवर्सली हम ट्रांसमिट करते हैं। तो यदि ये अपने पब्लिक की को ट्रांसमिट करते हैं तो बॉब के पास ए का पब्लिक की अवेलेबल होगा। इसी तरह से यदि बॉब अपने पब्लिक की को यूनिवर्सली ट्रांसमिट कर दें तो एलिस के पास इस बॉब का पब्लिक की अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सोशल मीडिया और मेल और अदर टेक्निक से हम अपने पब्लिक की को ग्लोबली ट्रांसमिट करते हैं। अब एलिस यदि अपना मैसेज भेजना चाहते हैं बॉब को, तो एलिस बॉब के पब्लिक की, जो कि इनके पास अवेलेबल है, बॉब के पब्लिक की से इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्शन के बाद जो भी कोड मिलेगा उस कोड को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। ये मेरा मैसेज है, इस पर हमने बॉब के पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट बन गया। अब इस साइफर टेक्स्ट को यदि हम इंटरनेट पर सेंड करें, वैसे केस में इस सी का मैसेज वही देख सकता है जिसके पास इस बॉब का प्राइवेट की होगा, और इस बॉब का प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ किन के पास है, बॉब के पास है, क्योंकि हम लोग अपने पब्लिक की को यूनिवर्सल करते हैं, प्राइवेट की को सेक्रेट रखते हैं। तो प्राइवेट की यदि सेक्रेट है और सिर्फ बॉब के पास है, अदर को यदि ये साइफर टेक्स्ट मिल भी जाता है
तो वैसे केस में वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से यदि कोई चाहे कि हम फ्रॉड करें या किसी तरह से डेटा को हैक कर मिसयूज करें, पॉसिबल नहीं होगा। इसको डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? बॉब्स, क्योंकि बॉब के पब्लिक की से हमने मैसेज को इनक्रिप्ट कर साइफर टेक्स्ट बनाया। तो जैसे ही ये साइफर टेक्स्ट बॉब को मिलेगा, इस पर ये अपने प्राइवेट की बी से इसको डिक्रिप्ट कर देंगे और उनको ये मैसेज एम मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। और इसी एसिमेट्रिक की में ये जो प्राइवेट की है और पब्लिक की है जिसको हमें जनरेट करना होता है, ये किस तरह से हम जनरेट करेंगे, इसी से रिलेटेड हमारा एल्गोरिदम है RSA एल्गोरिदम, जिसमें पब्लिक की को हम E से डिनोट करते हैं और प्राइवेट की को D से डिनोट करते हैं। प्रोसेस के लिए N हमारा एक नंबर हो। अब यदि हम अपना पब्लिक की ट्रांसमिट करना चाहें तो हमें E और N सेंड करना होगा, प्राइवेट की अपने पास D और N को सेक्रेट रखेंगे। ये मेरा पब्लिकली ट्रांसमिट होगा किसी भी सोशल मीडिया, ईमेल और अदर कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू, और प्राइवेट की हम अपने पास सीक्रेट रखेंगे। यदि हमारे पास पब्लिक की हो तो किसी मैसेज को यदि हम इनकोड करना चाहें, इनक्रिप्ट करना चाहें, तो उसका कमांड होगा इनक्रिप्शन के लिए। मैसेज को हम इस पब्लिक की, जिसका भी पब्लिक की हो, उसका पावर बनाकर इसका मॉड एन से लें, तो इससे हमको ये साइफर टेक्स्ट कोड मिल जाएगा। और यदि ये कोड किसी को मिल गया तो इस मैसेज को पाने के लिए वो अपने प्राइवेट की से, जिसको हम डी कहते हैं, इस साइफर टेक्स्ट का पावर डी बनाएंगे और इसका मॉड एन से लें तो हमें मैसेज मिल जाएगा। ये दो प्रोसेस यूज करते हैं, इनक्रिप्शन के लिए फर्स्ट वन और डिक्रिप्शन के लिए सेकेंड वन। तो इनक्रिप्शन जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है, और डिक्रिप्शन जिनको मैसेज मिलना है, जिनको मैसेज मिलना है उनके प्राइवेट की से हम इनक्रिप्ट करेंगे, और ये मैसेज जैसे ही उनको मिलेगा वे अपने प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर देंगे, तो इनको मैसेज मिल जाएगा। इस दो प्रोसेस के थ्रू हमारा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होना है। लेकिन इस प्रोसेस को यूज करने के लिए हमें चाहिए पब्लिक की और प्राइवेट की। तो इस पब्लिक और प्राइवेट की का रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी है और नेट गेट के क्वेश्चंस में भी रहते हैं। प्राइवेट और पब्लिक की को जनरेट करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन नेट गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं। इस पर जनरली ये नंबर तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही या इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, प्रोसेस सेम होगा। इस केस में हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, ई और डी। तो ये ई और डी में से कोई एक दिया हुआ रहेगा और उसके हेल्प से दूसरा निकालना होगा। यदि ई दिया हुआ है तो डी निकालना होगा, डी दिया हुआ है तो ई निकालना होगा। ई और डी मिल गया तो ई और एन हमारा पब्लिक की बनेगा, डी और एन प्राइवेट की बनेगा। इसकी फुल एल्गोरिदम बाद में देखेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं जिस पर नेट गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। यूजर ए यूजेस टू प्राइम नंबर्स 3 और 11, और इनको हम डिनोट कर रहे हैं पी एंड क्यू से, टू जनरेट पब्लिक की एंड प्राइवेट की। इफ द पब्लिक की इज 7, यदि ए का पब्लिक की 7 है तो इसका प्राइवेट की क्या होगा? RSA एल्गोरिदम में और भी बहुत से अलग एल्गोरिदम है प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करने के, हम यहाँ RSA एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पी क्यू दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम एन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि पी क्यू के हेल्प से एन कैसे निकाला जा सके, या एन दिया हुआ है तो पी क्यू अपने से भी ले सकते हैं, और ई और डी में से कोई एक दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का पब्लिक की दिया हुआ है, यानी हमको ई दिया हुआ है। तो मेरे पास अवेलेबल क्या है? हमारे पास अवेलेबल है पी क्यू और ए का पब्लिक की, ए का पब्लिक की, ए के पब्लिक की को पी यू ए कहेंगे। इन दोनों के हेल्प से हम एन को जनरेट कर देंगे, और पब्लिक की ए हमें अवेलेबल है। इन सबों के हेल्प से हम, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक की यानी ई भी दिया हुआ है,
इन सबों के हेल्प से हम डंडी को फाइंड आउट करेंगे, और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी है। यदि डी दिया हुआ रहेगा तो ई निकालना होगा, पी क्यू दिया हुआ है तो उसके हेल्प से एन मिल जाएगा, एन दिया हुआ है तो एन से पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग थोड़ी देर में पता करेंगे। पब्लिक की प्राइवेट की में से कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा निकालना होगा। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस पी और क्यू के लिए ए का पब्लिक की यदि 7 है तो उसका प्राइवेट की क्या होगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हम इसके स्टेप्स को जानने के बाद देखेंगे। की जनरेट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि दो लार्ज प्राइम नंबर्स लीजिए रैंडमली। इस दो लार्ज नंबर में से एक नंबर को पी दूसरे को क्यू कहेंगे, और इस दो लार्ज नंबर के प्रोडक्ट से हम एन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें पी और क्यू दिया हुआ है, इससे हमको इस फॉर्मूला से एन की वैल्यू मिल जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कहता है फाई एन को निकालिए। एक्चुअली इसको हम लोग यूलर टॉसेंट फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ फाई एन निकालने का फॉर्मूला है कि पी में से एक घटाइए, क्यू में से एक घटाइए, और घटाने के बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालिए तो फाई एन निकल जाएगा। और यदि फाई एन मालूम हो गया तो पब्लिक की कैसे रखना है। पब्लिक की को रखने के लिए कहता है 1 और फाई एन के बीच का कोई भी नंबर लीजिए। 1 और फाई एन के बीच कोई भी नंबर लीजिए जो कि मेरा ई होगा। कंडीशन है कि ई वही होना चाहिए जो को प्राइम टू फाई एन होना चाहिए। इस ई का वही वैल्यू हम 1 और फाई एन के बीच लेंगे जो फाई एन का को प्राइम होगा। अब को प्राइम किसको कहते हैं। यदि को प्राइम की बात करें, जैसे हमारा 4 और 7 है तो ये हमारे को प्राइम होंगे। क्यों को प्राइम होंगे, क्योंकि इनका रिमाइंडर 1 होगा। आप 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, 7 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो ये हमारा होगा 1 टाइम 4 और रिमाइंडर होगा 3। इस 3 को का फिर हम जीसीडी निकाल रहे हैं, 3 से इस 4 को यदि हम डिवाइड करें 1 टाइम्स 3 और रिमाइंडर आएगा 1। अब इस 1 से हम इस 3 को डिवाइड करें तो हमारा 3 टाइम्स में इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों में कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो इसी को हम लिख रहे हैं कि ई की वैल्यू क्या रखना होता है। E की वैल्यू 1 और फाई एन के बीच वैसा नंबर होना चाहिए जो फाई एन का को प्राइम हो, यानी E और फाई एन का GCD। E और फाई एन का यदि GCD निकालें तो रिमाइंडर मेरा 1 आना चाहिए। ये कंडीशन रखा हुआ है E के लिए। यदि E हमको पता चल गया, N मालूम है, फाई एन मालूम हो गया, तो हम D को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट की यानी डी कैसे कैलकुलेट होगा। डी इज कंग्रुएंट टू ई इनवर्स मॉड फाई एन, और ई इनवर्स को हम लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे मैथ्स में, यदि पावर नेगेटिव हो तो इसको हम डिनोमिनेटर बनाते हैं तो पावर मेरा पॉजिटिव हो जाता है, और इसका पावर 1 है तो हम 1 को हम यहाँ पर साइलेंट भी रख सकते हैं। तो इस ई इनवर्स का मीनिंग हो गया 1/e, और इस ई को यदि इस डी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा DE, और यहाँ बच जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि डी और ई का प्रोडक्ट कंग्रुएंट है 1 मॉड फाई एन के। और इस तरह के मैथ्स में फाई एन मॉड फाई एन को आप लेफ्ट साइड रखिए या राइट साइड रखिए, रिजल्ट सेम मिलेगा। तो हम मॉड फाई एन को यदि लेफ्ट साइड ले जाए तो DE मॉड फाई एन, और इस साइड में बच जाएगा 1। तो अब DE को यदि हम फाई एन से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इस तरह से इस 5 स्टेप को फॉलो कर हम प्राइवेट की और पब्लिक की पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में P की वैल्यू हमारी 3 है, Q की वैल्यू हमारा 11 है, और पब्लिक की A का पब्लिक की यानी E की वैल्यू 7 दिया हुआ है। सेलेक्ट टू डिफरेंट लार्ज नंबर, लार्ज नंबर की जगह पे 3 और 11 है। जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम में लार्ज प्राइम नंबर नहीं लेकर स्मॉल प्राइम नंबर लिए जाते हैं ताकि
हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो, ज़्यादा समय कैलकुलेशन में नहीं लगे। यदि ये नंबर बड़ा दे दे तो कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा। ये हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने सिस्टम पे यूज़ करते हैं, दो लार्ज नंबर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये छोटे नंबर ही दिए हुए रहेंगे। ई और डी में से कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा। तो ये हम यहाँ पर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। यूनिवर्सिटी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लार्ज नंबर की जगह ये प्राइम नंबर छोटे रखेंगे। इस दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पी 3 है और क्यू हमारा 11 है, तो 3 × 11 दैट इज 33। ये मेरा एन की वैल्यू हो गई। अब इस 33 से हमको फिर ये फाई एन की वैल्यू निकालना है, जिसको हम यूलर टॉसेंट फंक्शन भी कहते हैं। इसके लिए पी की वैल्यू में 1 घटाना होगा। यदि पी की वैल्यू में हम 1 घटा दें तो हमें मिलेगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस 1 से। तो क्यू की वैल्यू 11 है, 11 में 1 घटाए तो 10, और इसका प्रोडक्ट हमारा 20 होगा। इस तरह से हमको फाई एन भी मिल गया। अब लेना है हमें 7, जो कि 1 और फाई एन के बीच होना चाहिए, मगर यहाँ 7 दिया हुआ है, तो 7 हमारा 1 और 20 के बीच में है। अब यहाँ फाई एन की वैल्यू देखना है, तो फाई एन और 7, ई की वैल्यू मेरा 7 है और फाई एन की वैल्यू मेरा 20 है। तो जो भी हम ई लिए हैं वो और फाई एन दोनों का जीसीडी 1 आता है या नहीं। तो ई हमारा 7, फाई एन मेरा 20, 20 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो देखते हैं क्या वैल्यू हमको मिलता है। 7 रिमाइंडर 7 आ गया, तो ये दोनों को प्राइम्स हो जाएंगे। 2 टाइम्स में 14, और इस 14 का रिमाइंडर 6, 6 से 7 को डिवाइड करें 1 टाइम 6, और अब इससे 1 मिलेगा। इस 1 से हम यदि 6 को डिवाइड करें तो ये 6 टाइम, और ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। यानी हमारा यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, यानी 7 और 20 का जीसीडी मेरा 1 मिल गया, इसलिए ई मेरा सही है। अब ई मालूम हो गए, एन की वैल्यू मालूम है, फाई एन की वैल्यू मालूम है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। प्राइवेट की निकालने के लिए डी कंग्रुएंट ई इनवर्स मॉड फाई एन करेंगे, और इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाना चाहे तो डी ई कंग्रुएंट 1 मॉड फाई एन, मॉड फाई एन को लेफ्ट साइड कर दें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, डी ई मॉड फाई एन, और इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। यानी डी और ई के प्रोडक्ट को यदि फाई एन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 1 आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। चूंकि डी और ई में ई की वैल्यू हमें मालूम है, डी हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ फॉर्मूला में लिखेंगे डी इंटू 7 मॉड फाई एन। फाई एन की वैल्यू हमको पता है 20 है, इक्वल 1 आना चाहिए। अब d की कौन सी वैल्यू रखें ताकि हमारा रिमाइंडर 1 हो। यदि d की वैल्यू 1 रखें तो 1 × 7 7, 20 से डिवाइड होगा नहीं। d की वैल्यू 2 रखें तो 2 × 7 14 होगा, 14 भी 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो d की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब यदि d की वैल्यू 3 रखें तो 3 × 7 ये मेरा 21 आ रहा है। अब 21 को यदि हम 20 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी d की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ये मेरा काम कर रहा है। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू रखने से रिमाइंडर 1 नहीं मिलता है तो उस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ 3 रखने से हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और भी अदर वैल्यू पर हमारे हमें 1 मिल सकता है, लेकिन जो सबसे पहला वैल्यू मिलेगा हम उसी को रखेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू हमको मिला जिस पर रिमाइंडर 1, वो मेरा 3 है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पब्लिक की है उसकी वैल्यू 7 यदि हो, तो इसकी पब्लिक की यदि हमारा 7 हो तो इसकी प्राइवेट की यानी डी की वैल्यू 3 होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया है डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आप समझ सके कि किस तरह से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये डी जब भी स्टार्ट करेंगे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो वैल्यू आना चाहिए फर्स्ट रिमाइंडर 1 आना चाहिए। डी की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर 1 2 3 इस तरह से हम
काम करके पता कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारा प्राइवेट की बन गया 3। अब किस तरह से हमने प्राइवेट की निकाला पब्लिक की और वो सारे कंडीशन दिए हुए हैं, तो अब इस प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करें, ऊपर का जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हम इस डी को निकाल सकते हैं। और ऊपर का ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए, डी यहाँ पर हमारा 3 होगा। ये तो हो गया कि जनरेट कैसे करेंगे, और उससे पब्लिक की दिया हुआ है तो प्राइवेट की कैसे निकालेंगे, प्राइवेट की दिया हुआ है तो पब्लिक की कैसे निकालेंगे, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो लार्ज नंबर लेकर हम किस तरह से अपने प्राइवेट की पब्लिक की को डिसाइड कर सकते हैं, उसकी सारी कंडीशंस हम यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसको हम कि ये कंप्लीट एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, तो RSA का फुल फॉर्म होता है रिवर्ट समीर एडलमैन, और ये 1978 में एल्गोरिदम बना था। ये 3 पर्सन है, इन 3 पर्सन के फर्स्ट लेटर से बना है RSA। इट इज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम दैट हैज 2 keys, पब्लिक एंड प्राइवेट की। RSA इज मेड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द सरनेम रॉन रिवर्स एडी समीर एंड लिनॉर्ड एडलमैन, देन इसमें पब्लिक की होगा नोन टू ऑल यूजर्स इन द नेटवर्क, उनके नेटवर्क में जितने यूजर्स हैं उन सबों को उनका पब्लिक की पता होगा। प्राइवेट की कैप्ट सीक्रेट नॉट शेयर्ड विथ ऑल, प्राइवेट की को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। पब्लिक की ऑफ द यूजर इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की ऑफ द सेम यूजर इज यूज फॉर डिक्रिप्शन, जैसा कि ऊपर हमने देखा। RSA इज ए ब्लॉक साइफर, तो ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और ब्लॉक साइफर आते हैं इसमें, कई तरह के साइफर्स होते हैं, स्ट्रीम साइफर्स, ब्लॉक साइफर, तो ये RSA ब्लॉक साइफर होता है। इन विच द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट आर इंटीजर्स बिटवीन 0 to n-1, जो अभी हमने देखा, फॉर सम वैल्यू ऑफ n। ये कंप्लीट एल्गोरिदम है, और जो की जनरेट करने का तरीका था ऊपर जो हमने बताया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हम कोई 2 लार्ज प्राइम नंबर लेते हैं जिसको P और Q से डिनोट करते हैं, P और Q के हेल्प से N निकालते हैं, और इसके एक लेस वैल्यू से हम इसका phi N निकालते हैं जिसको यूलर टॉसेंट फंक्शन भी कहते हैं, और इसके बेसिस पर अब E को हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से E को कैलकुलेट करते हैं कि E की वैल्यू 1 और phi N के बीच में हो, प्लस E और phi N का GCD ऑलवेज 1 हो, और दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि E और phi N हमारा को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर के ही GCD ऑलवेज 1 होते हैं। इस तरह से यदि E डिसाइड हो गया तो D को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो कि ED 1 mod phi N होगा। अभी जस्ट इस फॉर्मूले को यूज किया, और यदि phi N से हमारा D पता चल जाता है तो पब्लिक की हमारा बनेगा E और N, और प्राइवेट की बनेगा D और N। यहाँ पर जो ओरिजिनल मैसेज होता है इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, इंक्रिप्शन के बाद जो टेक्स्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, और C से डिनोट करते हैं। मैसेज को जनरली हम M से डिनोट करते हैं। तो इंक्रिप्शन का रूल क्या बना, ये स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई ऐसा मैसेज लेते हैं जिसकी वैल्यू N से लेस हो, यदि नंबर बेस्ड है तो, और यदि ये N से लेस हमारा मैसेज है तो इंक्रिप्शन के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, डिक्रिप्शन के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने बताया आपको। ऊपर के एग्जांपल के बेसिस पर ही हम यहाँ पर फिर से प्राइवेट की और पब्लिक की निकालते हैं। हम ये मानकर चलते हैं हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें 2 कोई प्राइम नंबर लेते हैं पी और क्यू, हमने कोई 2 प्राइम नंबर लेना है जो कि लार्ज होना चाहिए, कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम छोटा वैल्यू 3 और 11 लिए हैं। इसके बेसिस पर एन की वैल्यू पी इंटू क्यू दैट इज 33 होगा, फाइ एन कैलकुलेट करना होगा जो इससे लेस होंगे, एक तो 3 से 1 लेस 2, 11 से 1 लेस 10, और इससे फाइ एन मिल गया मेरे को 2 into 10 दैट इज 20। अब हमें ई सेलेक्ट करना है, ऐसा होना चाहिए जो 1 और 20 के बीच में हो, और ये नंबर इस 20 का को प्राइम होना चाहिए, तो जीसीडी 720, जैसा अभी हमने देखा कि 7 और 20 को प्राइम है इसलिए इनका जीसीडी 1 होगा, यानी रिमाइंडर 1 होगा। ये
डी ई यदि हमको मालूम हो गया तो दूसरे फॉर्मूला से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके हेल्प से हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट किया और इस डी की वैल्यू से जब हमने कैलकुलेट किया तो 7 × D mod 20, तो डी की वैल्यू 3 पर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। डी की वैल्यू 1/1 इंक्रीज करते जाए तो 3 पर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, इसलिए डी की वैल्यू हमारी 3 हो गई। और इस डी इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7, ये जो डी की वैल्यू होगी ये 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5n दैट इज हेयर 20 एंड जस्ट फाइंड अ नंबर सेटिस्फाइंग अ वैल्यू ग्रेटर देन दिस दैट इज 7 × D। तो इस 20 से जस्ट बड़ा जिससे कि हमको रिमाइंडर 1 मिल सके वैसा कोई नंबर लेते हैं। तो डी की वैल्यू 1 पर 7 था, डी की वैल्यू 2 पर 14 था जो लेस था, हमें चाहिए 20 से जस्ट बड़ा। तो 3 पर हमें 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू मिलता है और इसको हम 20 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर 1 मिल जाता है, इसलिए डी की वैल्यू हमारी 3 होगी। वी कैन सॉल्व इट बाई यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं जा करके हम डायरेक्ट अभी ऊपर बताए उस मेथड से काम कीजिए। पब्लिक की हमारा बन गया ई और एन दैट इज 7 और 33, प्राइवेट की हो गया डी और एन 330। अब इसके हेल्प से हम कैसे इंक्रिप्शन करते हैं और मैसेज कैसे इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट होगा वो देखते हैं। तो इंक्रिप्शन का फॉर्मूला था C m^e mod n। हम यहाँ पे मैसेज यदि 31 रखें, m की वैल्यू यदि 31 हो, इस फॉर्मूले में यदि हम e की वैल्यू को रख दें जो 7 है, तो C = 31^7 mod 33। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू इतने के बराबर होगी। और इस नंबर को यदि 33 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4, और ये 4 ही मेरा साइफर टेक्स्ट है जिसको हम इनक्रिप्टेड डेटा कहेंगे या साइफर टेक्स्ट कहेंगे। ये तो सेंडर साइड का हो गया। अब रिसीवर को जब ये सी की वैल्यू 4 मिलेगा तो इससे वो मैसेज कैसे निकालेंगे, मैसेज के लिए हम दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और इसमें हम यदि सी की वैल्यू सी का पावर यदि इस डी को बना दें जो कि हमारा 3 है, तो C हमारा 4 है और 4 का पावर 3 यानी 4^3 मॉड n की वैल्यू हमारी 33 दिया हुआ है। तो 4^3 यदि इसको कैलकुलेट करें तो 64 mod 33। 64 को 33 से यदि आप डिवाइड करेंगे, 64 को 33 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको देखेंगे 33 वन टाइम 33 और इसका रिमाइंडर होगा 1 और 6 में 3 कटाइए 31, तो रिमाइंडर हमको 31 मिल गया। यही 31 हमारा मैसेज है जिसको कि हमने अभी आपको बताया। तो इस तरह से इसका मॉड हमें मिला कि हम किस तरीके से पब्लिक की बनाएंगे प्राइवेट की बनाएंगे, और यदि पब्लिक की प्राइवेट की मालूम है तो इसके हेल्प से हम किस तरह से इनक्रिप्ट करेंगे, किस तरह से डिक्रिप्ट करेंगे, कोई मैसेज है उस मैसेज को हम कैसे इसको सेंड करेंगे। तो ये हमारा सारा चीज था आरएसए एल्गोरिदम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।